भारत के शहरों में 20 साल की उम्र वाले आधे से ज्यादा पुरुषों और दो तिहाई महिलाओं को उनके जीवन काल में डायबिटीज की बीमारी हो सकती है। ज्यादातर लोगों में टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा है। डायबिटोलाइजिया जर्नल में प्रकाशित एक नई स्टडी में बड़े शहरों में रहने वाले किसी भी आयु वर्ग और बॉडी मास इंडेक्स के लोगों में डायबिटीज होने की संभावना का आकलन किया गया था। वैज्ञानिकों ने भारत सरकार द्वारा आयु और लिंग के आधार पर शहरों में मृत्यु दर और डायबिटीज के प्रसार का विश्लेषण किया है। साथ ही इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के शोध इंडिया डायबिटीज का भी विश्लेषण किया। रिपोर्ट के मुताबिक 20 साल के पुरुषों और महिलाओं में इस बीमारी के होने का खतरा क्रमशः 56% और 65% बढ़ गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं के पूरे जीवन काल में इस बीमारी के होने का खतरा ज़्यादा रहता है। 60 साल के महिला और पुरुष जिन्हें डायबिटीज नहीं है उनमें भी ये बीमारी होने का खतरा 38% से 28% तक है। इस खबर पर क्या है आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।